नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के बिहार LRC बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं कानू नोगो के बहुत ही बेहतरीन बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये पहली बार इस बार शायद ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। यहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। ये एक प्रैक्टिस वर्क बुक है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 75 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों। MRP के बारे में बात करें तो 225 रुपये MRP है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पेज आपको 240 पेज आपको देखने को मिलने वाले इस बुक के अंदर। अब दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं बुक के अंदर का कंटेंट आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे MRP मैंने बता दिया था 225 रुपये, और ये इनके कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, इनको आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सबसे पहले आपको विषय सूची में महत्वपूर्ण जानकारी इस एग्जाम से रिलेटेड है, उसके बाद करेंट अफेयर, उसके बाद केंद्रीय बजट आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें सिविल इंजीनियर के टेक्निकल क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन। इस तरह से आपको 20 सेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों इस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी जानकारी को कवर किया गया है, पूरे सिलेबस को, कितना वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट डेट, सारा कुछ कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि आपको इस बुक के साथ करेंट अफेयर के अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी बुक से करेंट अफेयर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार बुक है ये। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार हो गया, मतलब जितने भी करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्रीय बजट से लेके, सारे कुछ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। साथ में आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का लेवल है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सब क्वेश्चन को यहाँ शामिल किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन पहले टेक्निकल नॉलेज वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, जैसे यहाँ देखेंगे चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो बिहार में हुआ था। 8 ग्रह में मंगल कौन से स्थान पे है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मानव आपके के किस भाग पर छवि बनती है, जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थोड़ा इजी आपको देखने को मिलेंगे, और जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन है, और 100 के 100 क्वेश्चन का काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है किरण पब्लिकेशन का, दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस बुक से आपका जो प्रैक्टिस होगा दोस्तों काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा इस बुक को देखने के बाद। तो इस बुक को दोस्तों आप परचेज़ कीजिए, बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आपको परचेज करना चाहिए। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को आप लीजिए, आंसर की के साथ आपको सारा कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हर एक सेट इसी तरह आपको देखने को मिलने वाला है। तीसरा वाला सेट आप दोस्तों यहाँ देखिएगा, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे प्रैक्टिस सेट में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो टेक्निकल नॉलेज है उनको पहले दिया गया है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या उसके आधार पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, और एक अच्छा प्रैक्टिस आपको इस बुक से मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ देखिएगा हीराकुंड बांध निम्न में से किस नदी पे बनाया गया, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या होती है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, अगर बुक आपको परचेज करना होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा, और ये बुक है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। बुक में कोई भी कमी नहीं है, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, ठीक है। तो
तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अमीन की, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग से, तो ये एग्ज़ाम तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तैयारी भी आपको बेहतरीन तरीके से करना होगा, ठीक है ना। तो इस बुक को आप लीजिए, इस बुक को पूरा सॉल्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का भी बुक आता है, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। ये NCERT पर आधारित होता है, इसमें जी के जी एस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया जाता है, और किरण पब्लिकेशन का बहुत ज़्यादा सेल होता है ये बुक, ठीक है। तो इस बुक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है ये दोस्तों ये। उसके बाद अगर भूगोल में आपको दिक्कत है, तो भारत का भूगोल मानचित्र, भारत का भूगोल भरत लाल का ये बुक आता है, बहुत ही शानदार बुक है, इसे भी ले सकते हैं। और सामान्य विज्ञान का ये बुक आता है NCERT के नवीनतम पैटर्न पर आधारित, इसे भी चाहे तो आप ले सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इंग्लिश में तैयारी करना है, इंग्लिश की तैयारी करना है, तो कॉमन एरर का ये बुक आता है गोल्डन रूल के नाम से, बहुत अच्छा बुक है। 570 ग्रामर रूल आपको देखने को मिलेंगे। कॉमन एरर में दिक्कत है, तो एंग्लो हिंदी में ये बुक आपको मिल जाएगा, बहुत ही शानदार बुक है, ठीक है ना। तो इस बुक के बारे में कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।